हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रंजन शर्मा ब्लॉग। और आज मैं अपने गांव से करीबन 2 किलोमीटर आगे आया हूं, आप सबको कुछ दिखाना है। ये देख सकते हैं मेरे पीछे, ये खेती है और ये हमारे पीछे एक नहर है जिसमें कि लोग आगे एक डैम जैसा बना है जिसमें लोग नहाते हैं। तो आज मैं वहाँ जाऊँगा और देखूँगा कि वहाँ का नज़ारा क्या है। मतलब आज सब आपको दिखाना है कि जो गांव के लोग हैं वो कैसे अपने लाइफ को मस्ती से जीते हैं और इन्जॉयमेंट के साथ जीते हैं। सो प्लीज़ आप मेरे वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट्स करके बताएं कि हमारा देसी जो जुगाड़ है, देसी जो फन है, जो लोग यहाँ इन्जॉयमेंट करते हैं, वो आपको कैसा लगा। और हम भी यहाँ पर आए हैं और हम भी आज कुछ यहाँ पर देखेंगे कि लोग कैसे नहाते हैं और मैं भी नहाने की कोशिश करूंगा। पानी तो काफ़ी गंदा है लेकिन तभी भी लोग नहाते हैं और बच्चे लोग, ज़्यादा लोग नहीं, बच्चे लोग हैं, इन्जॉय करते हैं, नहाते हैं। तो आप मेरे वीडियो पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन प्रेस कर दें। और इस टाइप का ही रिलेटेड वीडियो मैं आप तक पहुँचाते रहूँगा, तो आप मेरे वीडियो में बने रहें। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ ये डैम जैसा है बना हुआ छोटा, जो यहाँ पे ही लोग नहाते हैं। अभी कुछ बच्चे लोग नहा भी रहे हैं, तो ये देख सकते हैं कुछ नहा भी रहे हैं। तो आप मेरे वीडियो में बने रहें तो आपको पूरा मैं दिखाऊंगा आज का कि क्या हो रहा है। तो ये देख सकते हैं ये नदी जैसा है नहर, वो नीचे गिरता है फॉल जैसा डैम, और यहाँ पे लोग एंजॉयमेंट के साथ नहाते हैं। ये कुछ गांव का हरियाली, और यहाँ पे इस बार की अपेक्षा बहुत ही कम पानी आया है और बारिश ना होने के कारण इसी पानी से सहारा किसान लोग खेती कर रहे हैं, क्योंकि बारिश ना होने के कारण बहुत ही मायूस हो गए थे। लेकिन बारिश नहीं हुआ, लेकिन ये नदी है, नहर के कारण खेती अच्छी खासी हो जाएगी। ये एक बहुत ही अच्छा बात मुझे लगा, यहाँ पे रोड के दोनों साइड ये पेड़, तो अच्छा लगता है जब भी ये देख सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, इसके अंदर घुसना पड़ेगा मुझे। ये देख सकते हैं, ये इसके अंदर आया हूँ मैं और यहाँ पे मुझे ये देखने को मिल रहा है ये जाल जिसमें कि लोग मछली पकड़ते हैं। पानी इसके सहारे इधर जा रहा है और इतना बड़ा जाल लगाया हुआ है, तालाब जैसा ही ये बन गया, बहुत गड्ढा है।
और इसमें ही मछली पकड़ते हैं और छोटी सी मछली भी फंसती है इसमें। ये बहुत ही अंदर भयानक जंगल जैसा है, आप देख सकते हैं। तो जो भी गांव के रिलेटेड था वो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, और इसके लिए मैं इतने धूप में, बहुत ही गर्मी है, आपके लिए आया है, आपके लिए मैं इधर आया हूँ ताकि वीडियो शूट करूँ और गांव की कुछ चीज़ें दिखाऊँ। ताकि हालांकि ये चीज़ हमेशा देखने को नहीं मिलता है, तो आप वीडियो तो देखते हो पर वीडियो को लाइक नहीं करते हो और सब्सक्राइब नहीं करते हो। प्लीज़ एक नए क्रिएटर के होने के नाते आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नए हैं तो। बहुत ही हरा हरा मौसम है, अच्छा लगता है। तो ये वीडियो मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा क्योंकि गांव में ज़्यादा कुछ हाई फाई चीज़ तो नहीं है, लेकिन ऐसे ऐसे भी चीज़ें हैं जो कि आप सब ना कभी देखे होंगे ना, मतलब गांव में जो चीज़ें होती है वो शहर में नहीं होती है, जो शहर में चीज़ें होती है वो गांव में नहीं होती है। शहर के लोग को उतना टाइम नहीं है कि मतलब ऐसे एंजॉय करेंगे ऑफिस से घर, ऑफिस से घर, लेकिन गांव के लोग को है खेती के अलावा और कुछ करना नहीं है, तो ऐसे ही एंजॉयमेंट करते हैं वो लोग। तो ये देख सकते हैं यही पानी अंदर जाता है और लोग अंदर नहाते हैं। तो मेरे वीडियो में कंटिन्यू रहिए और फुल वॉच कीजिए। मैं नए क्रिएटर हूँ, इसके कारण मुझे कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो मुझे अगर मेरे बोलने से कुछ मिस्टेक हो गया हो तो प्लीज़ सॉरी। और क्या मिस्टेक हुआ है आप ये कमेंट्स करके बता सकते हैं, हम उस चीज़ को सुधारने की कोशिश करेंगे। गाइस मैं एक जगह और आया हूँ जो कि उससे भी ज़्यादा भयानक है, वैसा ही फॉल है इसमें भी जो अभी देख सकते हैं। ये काफ़ी भरा पानी है और हमारे पीछे बहुत ही साउंड आ रहा होगा, बहुत ही अजीब साउंड है जो कि उससे भी हाई फाई और ख़तरनाक है। ये देख सकते हैं कैसे पानी फॉल रहा है और इसमें जो अनजान पर्सन गिर गया वो उसकी बहुत निश्चित है, काफ़ी भयानक है गांव की। बाकी उस फॉल से भी इस फॉल में बहुत खतरा है, तो यहाँ पे लोग नहीं नहाते हैं इसके कारण, ताकि यहाँ पे बहुत खतरा है। देख सकते हैं धूप में मैं आपके लिए आया हूँ ये दिखाने, और अभी मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं रह सकता क्योंकि बहुत साउंड हो रहा है, बैकग्राउंड साउंड हो रहा है, और ये चीज़ को देख के मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है, डर लग रहा है यहाँ पे क्योंकि बहुत ही आवाज़ कर रहा, बहुत गड्ढा है। तो आप, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। और ये देख सकते हैं रोड है जिसके क्या साइड में ही, अपोजिट साइड में ये नहर है जिससे पानी सिंचाई के लिए खेतों में जाती है। तो आज के लिए वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।